हाय बोलो, हाय हसो माँ, हाय बोलो, हाय हाँ ठीक है, ठीक है। आज तो आज है नेक्स्ट ब्लॉग कोलकाता जर्नी का। तो आप अपने पहले का देखा है कि बहुत दिन में मॉम डैड से मिल लिया है। अभी मैं फ्रेश होके अभी मैं कहीं जाऊंगी तो बेंगल पूरा साड़ी पहनी हूँ, ये बेंगल डिजाइन का है। तो बाद में दिखाती हूँ, लेकिन अभी सबसे पहले तो कुछ कहीं मुझे जाना है तो वहाँ पर जाऊँगी। बहुत नॉइज़ आ रहा है क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है बिल्डिंग का। तो ब्लॉग को अभी शुरू करती हूँ। नाश्ता मैंने कर लिया है, नाश्ता का मैंने नहीं किया है। तो पूरी और बड़े खाने होते हैं उसका सब्जी बनाया था और चाय मैंने पी लिया है। तो नाश्ता कंप्लीट हो गया है मेरा। तो अभी पूरी भाई का बाइक में कहीं जाऊँगी। तो जो जो काम करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ कोलकाता में, तो वही काम करूँगी। ये भाई का मेरा रूम है। तो बच्चे लोग अभी सब सो रहे हैं, बेबी और नाती सो रहा है अभी। तो मैं सोचा थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ मैं अभी। तो मैं आपको शीशा से दिखा रही हूँ लुक पूरा। ये बेंगोली साड़ी है मैं पहनी हुई हूँ। थोड़ा बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, बाद में जाऊँगी। हाँ वही लक्ष्मी भाण्डार की बोले इससे वोटा पूरा भीड़ ओखने। हम लोग अभी तक आया नहीं है तो 12 बजे के बाद जाऊँगी। तो चलिए गाइस, मैं अभी सिंहासन जो है पूजा देते वो दिखा रही हूँ। ये है मेरे गुरुदेव जी और ये आसन है। तो पहले सोचे थे भाई लोग यहाँ किचन बनाएंगे, लेकिन किचन को ऊपर लेके गए 3 मंजिल पर और यहाँ पे भगवान को कर दिया। अभी इसमें बहुत काम बाकी है, थोड़ा साइड से टाइल्स वगैरह बहुत कुछ लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे जितने भगवान हैं वो रखते हैं, पूजा करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। ये विश्वकर्मा पूजा जो किया है, इसका जो सब कुछ लोहा का सामान धो के पूजा करते वही किया हुआ है, अभी तक यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं सोचा आप सबसे थोड़ा घर भी शेयर कर देती हूँ। तो चलिए भाई का रूम वगैरह दिखाते हैं जहाँ बच्चे लोग रहते हैं। तो यहाँ पर भाई का जो बेटा बेटी है वो रहते हैं। इस साइड बाथरूम वगैरह है और यहाँ से डोर है जो ऊपर जाने के लिए 3 मंजिल पर। तो ये है भगवान का रूम से टच है भाई का जो बच्चे लोगों का बेडरूम। तो यहाँ पे बेटियाँ बेटी सोती है, एक बेटी एक बेटा है। तो MBA कर रही है बेटी और बेटा भी पढ़ रहा है अभी टेक्नो में। तो यहाँ पे है बेटा सोता है। ये फोल्डिंग खट है जो फोल्डिंग पालंग है जो निकल जाने से पालंग बन जाते हैं और ऐसे कर देने से सोफ़ा टाइप बन जाता है, ये बेड टाइप बन जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये, मैं भी कभी सोचूंगी बनाऊंगी। और ये इस तरफ है मतलब पूरा भाई ने अपना हाथों से मतलब डेकोरेशन किया है पूरा। तो जैसे सजाया जा सकता है उसने पूरी कोशिश की है, बहुत अच्छे से किया है। तो सब कुछ रखा, ये मेरा भाई भाभी मतलब मेरे से छोटी है, तो भाई छोटा है भाई और उनका बीवी भी। तो आप लोगों में भाई भाभी बोलते हैं लेकिन मेरे में तो नाम से ही बुलाते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों से डेकोरेशन किया, अच्छा लग रहा है रूम में, बहुत अच्छा एक व्यू आया है। तो मैं भी कभी घर बनाऊँगी तो मैं भी ऐसा करूँगी। और यहाँ है क्लॉक रखे हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इस साइड में है भाई भाभी का रूम। तो ये है पालंग, तो हम लोग ही जब से आते हैं तो यहाँ बैठे रहते हैं। मेरा डैडी बैठे हुए हैं, मैं नीचे से बुला लिया। तो मेरे डैडी भी आर्मी रिटायर्ड है अभी, मतलब बहुत साल पहले हो चुके हैं। तो अभी हम लोग बैठ के सब गपशप कर रहे हैं। मेरा मॉम का कोई सहेली आई हुई है तो हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं। तो
जो भाभी है वो चाय वगैरह देके जाएंगे, भी कॉफ़ी हम लोग पियेंगे वेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारे जो लैगेज है मैं इस कोने पे रख दिया हूँ, तो हम लोग खाते हैं बस एसी चला के इसी रूम में बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे पैकिंग वगैरह सब रखा हुआ है, बाद जैसे निकालते पहनते वैसे रखा हुआ है क्यों आप जानते हैं उनका घर पूरा सजाया हुआ था, जब से हम लोग आए हैं सब उल्टा पुल्टा हो चुके हैं, लेकिन क्या करें बाहर में बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है और यहाँ पे बिल्डिंग बन रहे हैं तो बहुत साउंड भी आते हैं, नॉइज़ आते हैं बहुत। तो मैं यहाँ पे अभी खाना खाने भी, तो दोस्तों यहाँ पे है मतलब अच्छे से भाई ने डेकोर किया है, और यहाँ पे सीढ़ी का रास्ता है जो तीन वाले मंजिल पर जाते हैं, और हम सब वहीं पे किचन भी है तो वहीं हम लोग बैल्कनी में बैठते हैं और नाश्ता वगैरह खाते हैं और खाना वगैरह भी वहीं जाके खाते हैं। तो अभी दोपहर का समय हो रहे हैं तो अभी खाना भी खाना है, भूख भी लगी है, तो मैं सोची थोड़ा आप सबसे शेयर कर देती हूँ। और ये है डोर जो जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं भाई के रूम में, और नीचे मंजिल पर फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं मॉम डैड। तो ये है देखिए बालकनी, कितना सुंदर व्यू आ रहे हैं। यहाँ पे बिल्डिंग का छत अभी ढलाई हो रहा है तो इस वजह से बहुत नॉइस है, तो मैं साउंड दे रही हूँ इसी वजह से कि सुनाई नहीं देगा आपको। तो देखिए कितना अच्छा व्यूज़ लगता है भाई के छत के ऊपर से। और यहाँ पे जो प्रॉन फिश होता है वही लेके आए हैं भाई, तो भाई इसको साफ कर रहे हैं। यहाँ पे मार्केट बाजार उजार हो चुके हैं तो भाभी अभी खाना वाना बनाएंगे, तो भाई यहाँ पे मच्छी को काट दे रहे हैं। मेरा भाई भी एक्स आर्मी है और अभी जॉब करते हैं, और इसका बहुत बड़ा ऑफिस भी है, मैं ऑफिस भी आप सबसे शेयर करूँगी। यहाँ मॉम सब्जी काट के दे रही है तो हम लोग हंस बोल रहे हैं, तो मजाक उजाक कर रहे हैं। तो साग होगा आज और दूसरा फिश जो है फिश भी होगा। और यहाँ पे देखिए अभी दोपहर का खाना हो भी चुके हैं, तो यहाँ पे है फिश है और यहाँ पे खीरा है, हरी मिर्च है, और यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं जो प्रॉन फिश है वो भी है, और यहाँ पे एक शंखो माछ बोल के बोलते हैं इसको, मैं हिंदी में क्या बोलता है भूल गई। यहाँ पे साग भी है, तो दो रकम का फिश है, तो मज़ा आ रहा है खाने में। तो दोस्तों आप सब भी खाइए, बहुत मज़ा आ जाएगा। तो थक चुकी थी ट्रेन से आके, तो अभी खाना वाना खा के फिर जाके थोड़ा देर लेटूंगी, फिर शाम का चाय कॉफ़ी वगैरह पीऊँगी। तो आज ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं होगा, आप सब आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर ब्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट्स कर रही है ज़रूर, और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अभी मैं सो के उठी हूँ, तो थोड़ा जगी हूँ, इवनिंग अभी हो रहे हैं, तो डायरेक्ट मैंने कैमरा पकड़ लिया और सोचा आप सबसे शेयर कर दूँ कि मैं लेटी हुई हूँ। तो अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैंने दिखा दिया क्योंकि आराम ही आराम है। तो मॉम डैड के घर में आने से जानते बेटियाँ लोग बहुत आराम करते, तो मैं और फूल जाऊँगी, ऐसे तो मोटी हुई हूँ और भी मोटी हो जाऊँगी। तो अभी चाय वगैरह आ चुके हैं और बहुत नॉइस है यहाँ पे, मैं वॉइस भी नहीं दे पा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए कंबल वगैरह लेके हम सो रहे हैं क्योंकि इतनी ठंडी लगती है इसी चलने से, तो मज़ा ही मज़ा कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे शेयर करने के लिए, भी बहुत कुछ है। अभी तक मैं बड़ी बेटी के घर पे नहीं गई हूँ, तो बड़ी बेटी के घर पे भी जाना है, तो फिलहाल तो पिताजी के घर में ही सब आराम हो रहा है। ये मेरा भाई का बेडरूम है और पिताजी का नीचे में है और ऊपर का जो है उसमें है किचन। तो धीरे धीरे करके सब शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा मेरा कोलकाता टूर वीडियो पर, आई होप आपको अच्छा लगेगा। चाय वगैरह पी लेती हूँ, नींद खाते हैं। कोलकाता में आके सिर्फ एक के बाद एक खाना आ जाते हैं और खाते रहते हैं, तो बहुत ही मज़ा आ जाता है, बहुत ही आराम ही आराम है। तो चलिए मैं खा लेती हूँ, खाने के बाद में मिलती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे गणेश पूजा हो रहा है, तो इस वजह से पेंडल किया हुआ है, और भाई के जो बैल्कनी से देखिए दिन में आपको व्यूज़ दिखाई थी और अभी रात को ऐसे लगते हैं। तो दिल्ली ये मुंबई हाई रोड है।